हेलो फ्रेंड्स, मॉनिटर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉलोनी काउंटर। सो कॉलोनी काउंटर काफ़ी ही यूजफुल है फ्रेंड्स, जो बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर अगर कोई कॉलोनी काउंट करनी है, कितने नंबर ऑफ कॉलोनीज उसमें प्रेजेंट है, तो क्या होता है कि हम कॉलोनी काउंटर से बहुत ही ईजिली उसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, सो कॉलोनी काउंटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या कर रहे हैं कि कॉलोनी जो काउंट कॉलोनीज है, जो बैक्टीरिया की कॉलोनीज है, उसको हम इजिली काउंट कर सकते हैं। तो अ कॉलोनी काउंटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू काउंट कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अ अगार प्लेट। जो अगार प्लेट पे आपने जितने भी कॉलोनीज या फिर बैक्टीरिया ग्रो करवाई हैं, वो कहे कि उस पर आप इजिली उसको काउंट कर सकती हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, पहले ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल नहीं था, क्योंकि पहले जो कॉलोनी काउंटर मशीन यूज़ होती थी, वो ओल्ड जो यूज़ होती थी, उनमें क्या था कि ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं था कि आपको कॉलोनी काउंटर काउंट होकर मिलेंगे। आपको क्या है कि उसे खुद काउंट करना पड़ता था, और ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट भी नहीं कह सकते थे हम, क्योंकि जितना ईजिली आप ऑटोमेटेड मशीन काउंट करके आपको दे सकती है, उतने ज़्यादा आप कुछ, क्या पता आपने कुछ कॉलोनीज मिस कर दी है, या फिर आप कुछ कॉलोनीज को आप काउंट नहीं कर पा रहे हो। तो जो अभी की जो ऑटोमेटेड कॉलोनी काउंटर है, वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मानी गई है। ठीक है, सो एन इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू काउंट और असिस्ट काउंटिंग कॉलोनीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन अ प्लेट कंटेनिंग अ जेल्ड ग्रोथ मीडियम। तो जेल्ड ग्रोथ मीडियम इसलिए है फ्रेंड्स, क्योंकि हम इसको अगार प्लेट पे ग्रो करवा रहे हैं, और इस कॉलोनी का जो काउंटिंग है उसको हम किस पे कर रहे हैं, हम इंस्ट्रूमेंट को कॉलोनी काउंटर पे कर रहे हैं। तो उसको कुछ इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि वो क्या करता है, उसमें प्लेट्स आ जाती हैं, कल्चर प्लेट्स, और उसमें वो कॉलोनीज सारी की सारी काउंटेड हो जाती हैं। ठीक है, वन वेराइटी यूजेज अ पेंसिल लाइक रोड विद अ मेटल टेप विच इज कनेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन टू द जेल्ड ग्रोथ मीडियम। सो वेन टच्ड टू अ कॉलोनी ऑन प्लेट, द कॉम्प्लेशंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट कॉजेज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वन यूनिट ऑन द रीड आउट ऑफ द कॉलोनीज काउंटर। तो बेसिकली क्या होता है, ये एक वेरियस यूजेस ऑफ पेंसिल लाइक रोड होता है, इसमें मेटल टिप होती है जो कि कनेक्टेड होती है इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से। ठीक है, तो जो जेल्ड मीडियम होता है उसमें क्या है, कॉलोनीज ग्रो हो चुकी होती हैं। ठीक है, तो उसको कॉम्प्लेशन करते हैं, और उसको इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या करता है, कॉज करता है इंक्रीमेंट ऑफ वन यूनिट ऑफ एन रीड आउट ऑफ द कॉलोनीज काउंटर। तो वन यूनिट के अंदर क्या करता है, वो कॉलोनीज को रीड आउट कर लेता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, हमारा जो ऑटोमेटेड कॉलोनी है काउंटर है, वो कुछ इस तरीके का दिखता है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि कॉलोनी काउंटर है। ठीक है, ये कॉलोनी काउंटर है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके साथ एक सिस्टम अटैच है। जो सिस्टम इसके साथ अटैच है फ्रेंड्स, वो क्या करता है कि ऑटोमेटिक आपको कॉलोनी दिखा देगा कि इतनी कॉलोनीज ये हैं, इतनी कॉलोनीज ये हैं, इतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हैं, इतने बैक्टीरियाज ग्रो हैं, वो सारी कॉलोनीज आपको काउंट करके आपको रिजल्ट दे देता है। ठीक है, ये ऑटोमेटेड है फ्रेंड्स। सो हमारा ईयरली काउंटर क्या है, सो दे वेयर मोरली लाइटेड सरफेस ऑफ विच द प्लेट वॉज प्लेस्ड एंड विद द कॉलोनीज मार्क्ड ऑफ with a fitted pen on the outer surface of the plate while the operator kept the count manually. तो basically क्या होता है, जो yearly counter क्या होता था कि जो lighted surface होती थी, lighted surface के यहाँ पर क्या होता है, वहां पर plates रखी जाती थी। ठीक है, तो वहां पर प्लेट रखकर क्या होता था, ये कॉलोनीज को मार्क किया जाता था, एंड देन क्या होता है, जो आउटर सर्फेस के ऊपर है उसको ऑपरेटर क्या करते थे, काउंट करते थे, उसको मैनुअली काउंट करते थे। अब फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि मैनुअली आप एक्यूरेट ही काउंट कर रहे हो। ठीक है, उसमें आपको एरर भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं रीसेट काउंटर्स की। रीसेट काउंटर कैसे होता है, सो मोर रीसेट काउंटर्स अटेम्प्ट टू काउंट द कॉलोनीज इलेक्ट्रॉनिकली बाय आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल्स एरिया ऑफ डार्क एंड लाइट अकॉर्डिंग टू ऑटोमेटिक और यूज सेट थ्रेश होल्ड एंड काउंटिंग द रिजल्टिंग। तो इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, कि बेसिकली जो काउंटर्स अटैम्प्ट होते हैं, वो कॉलोनीज को काउंट करते हैं ऑटोमेटिकली करते हैं, और क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिकली इसको किया जाता है, कॉलोनीज को काउंट और आइडेंटिफाई किया जाता है इंडिविजुअल एरियाज में। ठीक है, जहाँ पे लाइट और डार्क होती है अकॉर्डिंग टू ऑटोमेटिक, सो यूजर्स जो सेट करते हैं वो थ्रेश होल्ड सेट करते हैं एंड काउंटिंग द रिजल्ट। सो कॉन्ट्रास्टिंग स्पॉट, तो कॉन्ट्रास्टिंग स्पॉट पे क्या होता है कि उसको काउंट किया जाता है। सो फ्रेंड्स, कुछ ऐसे फील्ड होंगे जहाँ पे डार्क फील्ड होगा, कहीं पे लाइट फील्ड होगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए मैंने जैसा कि एक मैंने वीडियोज में भी बता रखे है कि उनके लिए प्रेफर एक टेम्परेचर होता है, टाइम होता है, और
क्या होता है, पीएच लेवल होता है, और उनको लाइट के प्रेजेंस में कुछ करते हैं, कुछ लाइट के अनप्रेजेंस में करते हैं, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो कॉलोनीज होती हैं वो डार्क प्लेस पे और लाइट प्लेस पे दोनों जगह की जो कॉलोनीज हैं वो ऑटोमेटिक क्या होती हैं, वो वहां पे कॉलोनीज काउंट होती है। तो ये जो हमारा रिसेंट काउंटर है वो काफी ही ज्यादा यूजफुल है, हमारा टाइम स्पेंड भी उसमें बहुत कम होता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसका जो प्रोसीजर है काफी छोटा सा है। सो प्लेस दी पेट्री डिश ऑन अ कॉलोनी काउंटर। कॉलोनी काउंटर आप लेंगे और पेट्री डिश जो है उसको प्लेस करेंगे। काउंट अ पेट्री डिश बाय क्लिकिंग द काउंट बटन ऑन द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के ऊपर काउंटिंग बटन होता है, आप उसको क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। सो द रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ कॉलोनीज। तो क्या होगा कि वो कॉलोनीज, नंबर ऑफ कॉलोनीज आपको डिस्प्ले हो जाएंगी, डिस्प्ले पे दिख जाएंगी कि कितनी नंबर ऑफ कॉलोनीज प्रेजेंट है। तो अब हम बात करते हैं द रिसेंट कॉलोनी काउंटर्स। जो रिसेंट कॉलोनी काउंटर्स है, द ऑटोमेटेड कॉलोनी काउंटर्स हैज द एबिलिटी टू सेपरेट द इमेज ऑफ कंबाइंड कॉलोनीज फॉर द यूजर्स टू इमेजिफाई मैग्निफाई सो ईच कॉलोनीज इट इज अ कनेक्टेड टू अ पीसी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रिसेंट कॉलोनी काउंटर है वो ऑटोमेटिक है, हमारा कॉलोनी काउंटर है जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो हर इमेजेस आपको सेपरेट करके दिखाता है। सपोज कीजिए कॉलोनी काउंटर के अंदर चार पांच कॉलोनी आई, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि कौन सी कॉलोनीज कौन सी है। तो इसके क्या करता है, ये पीसी से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो जो पीसी है वो आपको हर कॉलोनी अलग अलग इमेजेस दिखाती है, हर कॉलोनी के अलग अलग इमेजेस दिखाएंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो किस तरीके की कॉलोनी वहां पे ग्रो हुई है। सो द ओल्ड कॉलोनी काउंटर। सो फ्रेंड्स, यहां पर ना हम इनको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। सो कंपैरिजन करने का इसका ये मतलब है कि जो पहले हम यूज करते थे उसमें क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज थे, और जो अभी यूज कर रहे हैं उसमें क्या आपको एडवांटेज मिल रहा है, हम उसके बारे उससे ही लेकर हम इसको कंपैरिजन करते हैं। सो द ओल्ड कॉलोनी काउंटर में क्या था, प्लेस द कॉलोनी काउंटर ऑन द लाइटेड सर्फेस विद द कॉलोनीज मार्क्ड ऑफ अ फिल्ड टेप द पैन ऑफ आउटर सर्फेस। तो क्या होता था कि हम क्या करते थे कि उसको लाइटेड सर्फेस पे लेके जाते थे और कॉलोनी को मार्क करते थे, ठीक है, आउटर सर्फेस पे, कीप द काउंट मैनुअली, फिर हम उसको मैनुअली काउंट करते थे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों में क्या है, कंपैरिजन कर रखा है रिसेंट एंड ओल्ड जो हमारा कॉलोनी काउंटर है। सो रिसेंट वाले में इज नीडेड फास्टर एंड ईजियर टू यूज, तो हम इसको फास्टर और ईजियर यूज कर सकते हैं। ओल्ड वाले को हार्ड टू यूज, ठीक है, बहुत ही हार्ड होता है उसको यूज करना। मोर एफिशियंट फॉर ऑब्जर्वेशन, बहुत ही ज्यादा एफिशियंट है ऑब्जर्वेशन करने में, और इसमें मैनुअली काउंट करना पड़ता है। और नॉट सो एफिशियंट कंपेयर टू द रिसेंट, और ये एफिशियंट नहीं है किसके कंपैरिजन में, रिसेंट की कंपैरिजन में। तो इन दोनों को कंपैरिजन करके यही दिखता है कि जो रिसेंट वाला कॉलोनी काउंटर है वो काफी ज्यादा यूजफुल है। तो कॉलोनी काउंटर का बेसिक मोटिव ये है कि वो क्या करता है, कॉलोनीज को काउंट करने में हेल्प करता है। सो फ्रेंड्स, इसका आपने इमेज भी देखा है, आपके लेबोरेटरी के अंदर भी कॉलोनी काउंटर होगा, तो आप उसको यूज करके देखिए वो किस तरीके से वर्क करता है। उसमें आप कॉलोनी काउंट करके देखिए, आप मैनुअली भी करके देखिए और ऑटोमेटिक भी करके देखिए, क्योंकि जो पुरानी लैब्स होंगी वहां पर जो ओल्ड हमारा कुल्टर वो कॉलोनी काउंटर है वो भी उनके पास प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, कॉलोनी काउंटर में आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।